मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय का हमारे देश के जनजीवन से, हमारे देश के लोकतंत्र से और हमारे देश की कानून और व्यवस्था से सीधा संबंध है। यही कारण है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले इस विषय पर हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ और शिक्षा शास्त्री हैं, जो इस विषय में रुचि रखते हैं और मान्यवर जो हमारे देश के प्रशासक रहे हैं, उन सब ने समय समय पर हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की पहल की है। इस विषय में काफ़ी गंभीर चिंतन हुआ है। आज भी अगर हम इस स्थिति पर विचार करें कि हमारे देश में शिक्षा पद्धति का क्या प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि चारों ओर हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे बंद हैं, सब जगह झगड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में हिंसा और नाना प्रकार के झगड़े फैल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये शिक्षा के मंदिर नहीं हैं बल्कि हिंसा और उपद्रव के स्थान बन गए हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें विद्यार्थियों की गलती है, यह हमारी शिक्षा पद्धति का दोष है। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में सुधार होना ही चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के हित में नहीं हो सकती है और उसी का यह कारण है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के बारे में हमारे यहाँ गंभीर चिंतन हो रहा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति अंग्रेजी राज्य की देन है। लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश में जिस प्रणाली को चालू किया था उसी का थोड़ा बहुत रूप आज भी मौजूद है। 1968 में पिछले शासन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी और यह निश्चय किया था कि उसमें समय समय पर सुधार और परिवर्तन होता रहेगा। आज यह मांग बड़े जोरों से है कि हमारी एक निश्चित राष्ट्रीय नीति शिक्षा के संबंध में होनी चाहिए। राष्ट्रीय नीति की घोषणा होनी जरूरी है। मैं यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय नीति की घोषणा होने के पहले उसका सीधा संबंध जिन लोगों से है, जिनका जिक्र मैंने ऊपर भी किया है, संसद और जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र के लोग हैं उनके विचारों को सुनने के पश्चात ही इस पद्धति को लागू करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति एक नाजुक विषय है और इसमें सुधार करने की काफ़ी गुंजाइश है। सुधार के परिणाम अच्छे निकलने चाहिए, इसीलिए बहुत सोच समझ कर नीति
निर्धारित की जानी चाहिए।